फ्रेंड्स, माय नेम इज निपुन। आज मैं आपको एक प्रोजेक्टर बनाना सिखाऊंगा। आप घर में अपने टाइम पढ़ाई में तो यूटिलाइज करते हो, लेकिन बाकी बच्चों के टाइम में आप क्या करोगे? तो आज मैं आपको प्रोजेक्टर बनाना सिखाऊंगा, इससे बच्चों के टाइम में भी आप अपने टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। आज मैं आपको एक प्रोजेक्टर बनाना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ बल्ब, आ शू बॉक्स, आ मोबाइल फोन। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि मैंने ये प्रोजेक्टर एक बार ही बना लिया? नहीं, कई बारी मुझे 2 या 3 डेज लग जाते हैं और कई बारी मेरा प्रोजेक्ट सिर्फ एक बारी में बन जाता है। पहले मैंने 2 और 3 बारी ट्राई किया था, वो मैंने लेंस की मदद से किया था। ये लेंस मैंने बनाया है एक प्लास्टिक की बोतल से, कोक की वाटर से और एम सील से। ये जो इसके साइड साइड में ब्लैक ब्लैक लगी हुई है, ये एम सील है। अंदर वाटर है और ये बाहर कवर है। मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प की थी इसको बनवाने में, लेकिन इससे धुंधला दिखने था, इससे क्लियर नहीं दिख रहा था। इट्स वर्किंग बट इट इज नॉट क्लियर। फ्रेंड्स, तो इसको रखते हैं साइड में, आते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट पर। ये है JBL स्पीकर, आपको लगाना है तो लगा लेना, नहीं लगाना है तो नहीं। ये ऑप्शनल है और ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। आपको लगाना है तो लगा लीजिए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। मैंने इसको वॉल्यूम तेज़ करने के लिए लगाया। और ये है मोबाइल, इसमें मोबाइल की ज़रूरत होगी। ये मैंने स्टैंड बनाया है जिससे कि हम इसको इसके अंदर लगा के, मैंने यहाँ पे खोल किया, हम इसको ऐसे आगे पीछे कर सकें जिससे कि बड़ा छोटा फिर क्लियर दिख सके, धुंधला दिख रहा हो। ये है इसका कैप, इसके ऊपर का ये शू बॉक्स है, ये इसके ऊपर का कैप। हम इसको ऐसे लगा सकते हैं और ऐसे हटा भी सकते हैं। मैंने इसके आगे का काट लिया है, नहीं तो ये इस बल्ब के ऊपर आता। ये एक शू बॉक्स, एक होल मैंने यहाँ पर कर लिया है। आप यहाँ से मत काटिएगा, ये मुझसे गलती से कट गया जब मैं स्टार्टिंग में बना रहा था तब। ये है 10 वाट का बल्ब, आप 1000 वाट का भी बल्ब ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास 10 वाट का बल्ब था तो मैंने 10 वाट का बल्ब का इस्तेमाल किया। इसको मैंने ऊपर से अंदर का सारा मटेरियल निकाल लिया, फिर इसके अंदर मैंने वाटर भर दिया और ऊपर मैंने डबल साइडेड टेप से और फेयर क्विक से अच्छी तरीके से सील कर लिया। उसके बाद मैंने फैको क्या लगाया और नीचे लगा दी। अब अंदर मैंने इसके एम सील लगाई है, यहाँ पर मैंने इन दोनों साइड मैंने एम सील लगा दिया है जैसे कि अच्छे से फिक्स हो जाए। और यहाँ नीचे भी लगाई है, आपको इसमें दिख रहा होगा शीशे में से, ये देखो यहाँ पे एकदम नीचे लगाई है यहाँ पे, और फिर मैंने डबल साइडेड टेप लगा दी जैसे कि ये निकले ना। और ये तो इसका कैप ही है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो अब मैं इसे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लगा दूँगा, इस JBL को यहाँ पे रख दूँगा ऐसे, और इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा। अब JBL को कहीं पे भी रख सकते हो। और एक मैं ऐसी ड्राइंग फाइल का इस्तेमाल करूँगा, कोई भी वाइट चीज़। हमें एक स्क्रीन चाहिए जिस पे ये दिखाई दे और वो वाइट होनी चाहिए। अगर हम कोई वाइट चीज़ देख रहे हैं तो हमें कोई और कलर की स्क्रीन चाहिए होगी। लेकिन अगर हम वाइट नहीं देख रहे हैं, कलरफुल देख रहे हैं, तो हमें वाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं इसके सामने रख लूँगा एकदम ठीक डिस्टेंस पे, है ना। और अंधेरे में ही काम करेगा, उजाले में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी फ्रेंड्स जो ये फ़ोन इस कवर में आ नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगा दी थोड़ी सी लेयर बना के 4-5, और मैंने यहाँ पे अब इसको ठीक से चिपका दिया ताकि ये गिरे ना। तो आगे मैंने ये यहाँ पे फेब क्विक से चिपका दिए हैं। फ्रेंड्स, आप ये मोबाइल देख सकते हो, ये मैंने ऑन कर लिया और वीडियो प्ले कर दिया और मैंने पॉज कर दिया है। लेकिन मैंने उल्टा क्यों किया है? ये मैंने उल्टा इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं सीधा करूँगा तो इससे इमेज जाने के बाद ये आगे उल्टी दिखाई देगी, इसलिए हमें फ़ोन को उल्टा करना पड़ेगा, वीडियो को उल्टा करना पड़ेगा, जिससे कि जब भी यहाँ से
रोशनी निकले तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखे, जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखे वो आपको बिल्कुल इरेक्ट दिखाई दे, इसलिए हमें इस फ़ोन को उल्टा रखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हम इसकी टेस्टिंग पर, एक अंधेरे वाले कमरे में, डार्क रूम में। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन मैं इसलिए आपको 1000 वाट का बल्ब करने के लिए बोल रहा था क्योंकि ये जो स्क्रीन है धुंधली दिखाई दे रही है, वो इसी वजह से दिखाई दे रही है क्योंकि हमने यहाँ 1000 वाट का बल्ब इस्तेमाल नहीं किया, ये वजह है इसकी। तो फिर आप देख सकते हैं, आइए अब आपके पीछे के दिखाते हैं, हम पीछे दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे दिखा रहे हैं, आइए आगे पीछे के जो हमने हैंडल लगाया था उसके बारे में दिखाते हैं। से भी तेज फ्रेंड्स ये जो इसकी इमेज आ रही है इसको हम बड़ा छोटा या फिर इसकी जो ये लाइट है इसको हम तेज मंद मंदी भी कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम बॉक्स चला रहे हैं, लेकिन जो हमने इसके पीछे जो हैंडल दिया था ना, वो जो हैंडल है उस अगर हम हैंडल को आगे पीछे करते हैं तो उससे जो इमेज है पीछे ले जाते हैं तो छोटी होती है, आगे ले जाते हैं तो बड़ी होती है, ये जो इमेज आ रही है। बाय फ्रेंड्स, फिर आऊँगा मैं आपके लिए नया और बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट लेकर।